नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। अभी अभी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, संसद के अंदर अटैक हुआ है। संसद के अंदर बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है। अटैक का मतलब यह है कि वहां पर स्मॉगी बम फेंकने की कोशिश की गई है। इसके अलावा संसद के बाहर भी दो लोगों ने स्मॉगी क्रैकर्स फेंकने के बाद नारेबाजी की है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। महिला बार बार चिल्ला रही थी तानाशाही नहीं चलेगी। इसी तरीके से संसद के शीतकालीन सत्र के चलते संसद के अंदर अचानक दर्शक दीर्घा से दो लोग संसद के अंदर कूद पड़े और उन्होंने अपने जूते उतार के जूते में से कोई स्मॉगी चीज निकाली थी, जिससे वो धुआं फैलाना चाहते थे। और वो बार बार ये चिल्ला रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी। दोनों लोगों को तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने संसद के अंदर जोते और कुछ सांसदों ने भी भागकर पकड़ा और उनको वहीं दबोचकर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। आपके माध्यम से मैं आपसे फिर से पश्चिम बंगाल के मालदा में हवाई अड्डे की स्थापना के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। मैं आपको ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि हवाई अड्डे की स्थापना की आवश्यकता मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सार्वजनिक हित के साथ साथ बिहार, झारखंड और उड़ीसा राज्यों जैसे राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। आपके माध्यम से मैं आपसे फिर से पश्चिम बंगाल के मालदा में हवाई अड्डे की स्थापना के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। मैं आपको ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि हवाई अड्डे की स्थापना की आवश्यकता मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सार्वजनिक हित के साथ साथ बिहार, झारखंड और उड़ीसा राज्यों जैसे राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। आपके माध्यम से मैं आपसे फिर से पश्चिम बंगाल के मालदा में हवाई अड्डे की स्थापना के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। मैं आपको ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि हवाई अड्डे की स्थापना की आवश्यकता मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सार्वजनिक हित के साथ साथ बिहार, झारखंड और उड़ीसा राज्यों जैसे राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। आपके माध्यम से मैं आपसे फिर से पश्चिम बंगाल के मालदा में हवाई अड्डे की स्थापना के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। मैं आपको ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि हवाई अड्डे की स्थापना की आवश्यकता मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सार्वजनिक हित के साथ साथ बिहार, झारखंड और उड़ीसा राज्यों जैसे राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सुरक्षा कर्मी अभी उनकी जांच कर रहे हैं। इनमें से एक का नाम सागर बताया जा रहा है और वो
जो मैसूर है वहां के एक सांसद के नाम पर दिए गए पत्र के कारण उसका पास बनवाकर अंदर आया था, और वहां उसने आते ही पार्लियामेंट के अंदर दो लोग अचानक दर्शक दीर्घा से कूद पड़े। ये अभी सभी 25 से 30 साल के बीच के लोग हैं, और इन्होंने दर्शक दीर्घा से अचानक संसद के अंदर कूदकर जिस तरीके से हंगामा करने की कोशिश की और अपने जूते उतारकर जूते के अंदर से कोई स्मॉगी चीज निकाली जिससे ये धुआं फैलाना चाहते थे, एक बड़ा मामला, बड़ी घटना एक बार फिर से सामने आई है। आज ये वही वक्त है जो संसद की के अंदर जो अटैक हुआ था संसद पर, जो पार्लियामेंट पर, उसकी आज 21वीं वर्षी थी, यानी कि 13 तारीख थी और 13 दिसंबर आज है, और आज से 21 2001 में यह एक अटैक हुआ था, आज से 21 साल पहले आज के ही दिन 2001 में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में आतंकी हमला किया गया था। हमले के वक्त संसद में लगभग 100 सांसद और मंत्री मौजूद थे। पार्लियामेंट अटैक 2001 में 13 दिसंबर 2001 के दिन भारतीय संसद में सुबह शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसी वक्त यह अटैक हुआ था। सेम आज भी ऐसा ही हुआ है, दो लोग अचानक संसद के अंदर, दो युवक कूद जाते हैं चलती हुई पार्लियामेंट की चलती हुई कार्रवाई के बीच में। अभी पार्लियामेंट के अंदर जीरो आवर चल रहा था जिसके बीच में ये अचानक दो लोग कूदे, और इन्होंने कूदते ही अपने जो चेयर थी उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करी, सभापति की तरफ, और भागते हुए उन्होंने अपने जूते उतारे। और बताया जाता है, जो सांसदों का कहना है कि जूतों के अंदर से ये कोई स्मॉगी चीज निकाल रहे थे जिसमें से धुआं निकल रहा था, उसे फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी के बीच में, उसी से पहले अगर ये अपनी कार्रवाई में सफल हो पाते, इससे पहले ही इनको सुरक्षा कर्मियों ने, जो पार्लियामेंट के सुरक्षा कर्मियों, उन्होंने इन्हें दबोच लिया, और दबोचने के बाद इन्हें सुरक्षा कर्मियों के पास ले गए हैं, सुरक्षा कर्मी अपनी पूछताछ के लिए इन्हें, और आगे की कार्रवाई अभी चल रही है, पूरा मामला अभी निकलकर सामने आएगा। लेकिन ये आज के लिहाज से एक बड़ी ब्रेकिंग है, और ये जो भी लोग पकड़े गए हैं, ये तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगा रहे थे, इसी तरीके से दो लोगों ने संसद के बाहर भी स्मॉगी बम फेंककर शोर मचाने की कोशिश करी, जिनमें से एक महिला है उसको भी सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत दबोच लिया और पकड़ कर उन्होंने ले जा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है, पार्लियामेंट में एक बार फिर से टेरर अटैक हुआ है। टेरर अटैक इस तरीके से है कि ऐसा होने देखा नहीं जाता, क्योंकि पार्लियामेंट की सुरक्षा बहुत ज्यादा बड़ी है। पार्लियामेंट अटैक के बाद बहुत ज्यादा सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था, चाक चौबंद कर दी थी, लेकिन सांसद के नाम पर ही, पत्र पर ही ये पास बनवाकर संसद के अंदर तक पहुंचे थे। अभी मामला चल रहा है, कार्रवाई आगे होगी, एक बड़ा मामला है, सांसदों में बहुत डर है, सभी ने अपनी अपनी बातें रखने की कोशिश की है। संसद की जो कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन अभी सुरक्षा कर्मियों की पूरी जो एजेंसियां हैं, रॉ है, CBI है, IB है, NIA है, वो सभी पहुंच चुकी है पार्लियामेंट के अंदर, और इन सभी से पूछताछ जारी है। देखते हैं आगे निकलता क्या है, लेकिन एक बार फिर से आज ही के दिन पार्लियामेंट अटैक की 21वीं वर्षी के दिन आज एक बार फिर से संसद के अंदर बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है, बहुत बड़ा अटैक हुआ है, बहुत बड़ी बातें हुई हैं, क्योंकि संसद के अंदर ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारतीय लोकतंत्र में एक बार फिर से कोई ऐसा कर सकता है। ये एक बड़ा मामला है, सोचिएगा जरूर। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।